मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में डिंडोरी जिले में दुल्हनों का प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। अफसर तर्क दे रहे हैं कि विवाह से पहले सिकल सेल एनीमिया की जांच कराई गई थी, लेकिन महिलाओं ने ये कहकर उनकी नियत पर सवाल खड़े कर दिए कि यूरिन से कैसे सिकल सेल की जाँच होती है। एनीमिया की जाँच के लिए तो खून का ही सैंपल लिया जाता है। फिर कन्यादान योजना में शादी के लिए यूरिन से कौन सी जाँच की गई? यूरिन से तो प्रेगनेंसी की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इन दुल्हनों को पहले जानकारी भी नहीं दी गई। विवाह की तय तारीख पर जब वे मंडप में पहुंची तो उन्हें बताया गया कि आप प्रेग्नेंट हैं, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत आपका विवाह नहीं हो सकता। सिकल सेल एनीमिया खून की कमी से संबंधित एक बीमारी है। मच्छरगांव पंचायत की 6 लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ। यहाँ की सरपंच मैदनी मरावी कहती है कि मुझे शर्म आती है कि ऐसे सिस्टम पर मुझे बताया गया लड़कियों से फॉर्म भरवाने के बाद स्वास्थ्य जांच के लिए उनसे डिस्पोजेबल में यूरिन के सैंपल मांगे गए। जो अफसर ये कह रहे हैं कि एनीमिया और सिकल सेल की जांच करा रहे थे, वे ये क्या नहीं बताते कि यूरिन से कैसे इसकी जाँच हो सकती है। किसके कहने पर लड़कियों के यूरिन सैंपल लिए गए, उनकी मर्यादा भंग की गई। जिन लड़कियों को भरे मंडप में बताया गया कि वे प्रेग्नेंट है, उनके अपमान का हक इन्हें किसने दिया? इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।